हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं आल एंड आल जॉब्स प्रिपरेशन चैनल में। आप तमाम दोस्तों का खुश आमदीद। ये वीडियो नंबर 19वीं है और इसका पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो पहला सवाल है हमारा, ये इंतहाई अहम है और ये पीपीएस में बार बार पूछा गया है कि पानीपत की पहली जंग कब हुई थी? 1326 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में हुई थी। इब्राहिम लोदी को इसमें शिकस्त हुई थी और इसका नुकसान जो ये हुआ था कि बरेसगीर में मुगलों की हुकूमत की बुनियाद बाबर ने रखी थी 1326 में। इसके बाद मुगलों ने तकरीबन 150 साल हुकूमत बरेसगीर में की हुई है। इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट कब किया था? 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में। एच डी आई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री, वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, इन्हें कहा जाता है महबूबुल हक को कहा जाता है। जिम्बाब्वे वाज अर्लियर नोन एज, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है साउथर्न रोडेशिया, रोडेशिया, और इसके कैपिटल का नाम है हरारे। वाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट पीस मेकर, जो दिल की रेगुलर बीट होती है उसे कहा जाता है पीस मेकर, हार्ट पीस मेकर, इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट। विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर? जो पाकिस्तान का आईन है 1973 में, इसमें किसी शख्स को गुलाम बनाना, किसी से भी सख्ती से मजदूरी करवाना या किसी बच्चे से मजदूरी लेना, ये आर्टिकल 11 है। इसके मुताबिक हमारे आइन में इसे मना किया जाता है, इलीगल कर दिया गया है। सर्वाइल, सराइल है इसका मतलब, सर्वाइल का मतलब होता है सराइल, इज द ऑपोजिट मीनिंग है इसका घमंड, ह्यूज, ह्यूजिटी, ह्यूजिटी। मोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन विच कॉलेज ऑफ द स्टेट्स? कैलिफोर्निया जो स्टेट है, इसे जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनकी ज़्यादा तादाद यहाँ से है, जो जिन्होंने मुल्क पे जो मुल्क के सदर रहे हैं। ये कबीला है कुर्देश कबीला, इसके मुतलका वो पूछ रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट एथेंटिक ग्रुप बाई पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, इनकी पॉपुलेशन जो इनकी आबादी है वो भी ज़्यादा है लेकिन इनके पास कोई अपनी स्टेट नहीं है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर तुर्की, ईरान, इराक और शाम में पाए जाते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पलस्टाइन अथॉरिटी यासर अरफात डाइड ऑन, इनकी वफ़ात 11 नवंबर 2004 में हुई थी और ये फलस्तीन के पहले सदर थे, यासर अरफात। इसके बाद हमारा सवाल है कि सूरज से कौन सा विटामिन हासिल होता है? ये भी इजी सवाल है लेकिन ये बार बार पेपरों में पूछा जा रहा है, एनटीएस के पेपरों में बहुत ज़्यादा मरतबा आया हुआ है। सूरज से कौन सा विटामिन हासिल होता है? विटामिन डी। द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गीट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीन वाच इज कॉल्ड मेरिडियन कहा जाता है, ये लाइन है, इसे मेरिडियन कहा जाता है।
द फेमस बुक ईस्ट ऑफ इडन इज द वर्क ऑफ, ये है जॉन स्टीनबेक की लिखी हुआ नावल है ईस्ट ऑफ इडन। सुई जिनरियस इज अ लैटिन टर्म, ये लतीनी जुबान में इसे यूनिक बोला जाता है। द स्ट्रेट ऑफ हार्मर्स हार्मर्स फॉल बिटवीन, कहाँ से गुजरती है और इसे कौन कौन से मुल्क लगते हैं? पहले इसे ईरान लगता है, उसके बाद ओमान और उसके बाद यूएई। रांड इज़ द करेंसी, ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। रांड जो है पाकिस्तानी करंटी जो करेंसी है, एक रांड है और पाकिस्तानी करेंसी 10 रुपए बनते हैं। कैपिटल इसका साउथ अफ्रीका का कैपटाउन है और इनके प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रामाफोसा। ये एक और टर्म है कि इन टोरट्स द प्रिंसिपल रिस्टिट्यूट एड इंटीग्राम मीन्स है रिस्टोरेशन, और उसके मतलब का ये 5 स्टार के मतलब का वो लोकेशन भी बता रहा है इसमें और कहाँ भी जा रहा है। 5 स्टार कहाँ पे है? साउथर्न क्रॉस विच इज कंस्टलेशन फाउंड इन द साउथर्न रेंज ऑफ द नाइट स्काई कंसिस्ट्स मेनली ऑफ 5 स्टार। सिलहट डिजर्ट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ, ये असम जो ज़िला है उसका हिस्सा था सिलहट, और अब ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है। यूफोनियस इसका मतलब है खुशकुन, और इसका अपोजिट जो मतलब है वो है स्ट्रेडेंट सख्त। ये यंग ताजीर जो रिवर है ये बरआज़म एशिया का सबसे बड़ा दरिया है, और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन कौन से मुल्क से नहीं गुजरता, ये सिर्फ चाइना में ही बहता है। तो ये जो सवाल है इसका मतलब है कि इनमें से किसी किसी मुल्क से नहीं गुजरता क्योंकि ये सिर्फ चाइना में ही है। द इंकन सिविलाइजेशन फर्नश्ड, ये जो कबीला है अंकन सिविलाइजेशन जो कबीला है ये सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक रीजन, ग्रेट लेक रीजन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, और ये क्या पूछ रहा है कि इस जो ग्रेट लेक है इसके करीब तरीन कौन सा जो इलाका है वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उसके शहर का क्या नाम है, उसके चेचेगो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद ये हमारा आखिरी तकरीबन आखिरी सवाल है कि एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो वेव्स के ज़रिए जो मोबाइल फ़ोन है ये काम करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने साथ हाज़िर होंगे नई इन्फॉर्मेशन नई मालूमात को लेकर।